हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवा एपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। भाई देखिए, आज हमारे पास है SP125BS6 और भाई ने लेके आया है मीटर रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें स्पीडोमीटर नहीं चल रहा है और इसका जो मल फंक्शन इंडिकेटर है वो ऑलवेज ऑन दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, तो इसको ऑफ करेंगे और मीटर का जो प्रॉब्लम है उससे भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और एंड में जाके भाई आपको लगे कि वाह भाई, वीडियो से कुछ सीखने लायक मिला है या जानने लायक मिला है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो में देख लेते हैं कि कैसे ये जो दिक्कत है सॉल्व होता है। देखिए, अभी OBD स्कैनर हमने लगा के रखा है क्योंकि ये जो मल फंक्शन इंडिकेटर है इसको ये किस वजह से आ रहा है इसे जानने के लिए, इसे देखने के लिए तो हमको OBD लगाना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि फॉल्ट कोड देखना है भाई, किस रिलेटेड फॉल्ट कोड इसमें आ रहा है जिसकी वजह से हमारा जो मल फंक्शन इंडिकेटर है वो ऑन रहता है ऑलवेज। ठीक है, तो देखिए भाई, आप ध्यान से देखेंगे इधर VSS और CKP सेंसर का कोड बता रहा है। ठीक है, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि इसमें जो CKP का जो फॉल्ट कोड बता रहा है ये परमानेंट इसमें नहीं था, क्योंकि CKP का जो कपलर है इधर से हमने निकाला था उसी वजह से इसमें फॉल्ट कोड आ गया है। उस दौरान क्या है, इग्निशन को ऑन कर दिए थे हमने, तो इसी वजह से जो हमारा CKP रिलेटेड जो फॉल्ट कोड इधर बता रहा है वो फॉल्ट कोड आ चुका है। ठीक है, और दूसरा जो भाई VSS का, तो चलिए VSS क्यों दिखा रहा है देखते हैं, क्योंकि इसका जो मीटर है वो शायद चल नहीं रहा है। ठीक है, व्हील को घुमाया हमने, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए जीरो, बस जीरो ही है। देखिए भाई ने हमारा इधर भोलेनाथ का फोटो लगा के रखा है। ठीक है, तो इसी वजह से हम आप लोगों को सही तरीके से दिखा नहीं पाए, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए भाई VSS का लोकेशन आपको दिखाते हैं किधर इनबिल्ट होता है, उसका लोकेशन किधर होता है। देखिए, इधर होता है हमारा VSS जो सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर जो होता है वो इधर इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो क्या है भाई, ये जो सेंसर है ज़्यादातर केस में, 90% केस में इसे खराब, ये खराब नहीं होता है। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना होगा, कपलर को सही तरीके से चेक करना होगा भाई। जो कपलर होता है कभी कभार क्या होता है, वॉशिंग वगैरह करने से या इधर थोड़ा सा जो कपड़े से भाई साफ़ करते हैं बाइक को, उस दौरान इसमें ये खिंच जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है भाई, इसमें से लूज कनेक्शन का प्रॉब्लम आते हैं। तो इस दौरान आपको पहले चेक करना है कपलर, अगर कपलर बिंदा सही है उसमें इनपुट वोल्टेज चेक कर लीजिए, उसका जो वायरिंग है उसे भी एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद भी देखिए, सारा सब कुछ अगर सही है तब जाके आप ये कह सकते हैं कि आपका जो बाइक में जो व्हीकल स्पीड सेंसर है वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, देखिए ज़्यादातर केस में ये शाइन में भाई ये दिक्कत पहले भी आ चुका है हमारे पास, क्योंकि ज़्यादातर केस में ये जो दिक्कत है ये कपलर रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है, तो भाई हमने सोचा कि आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बना के दे कि आप अगर परेशान है तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं एक बार। अगर आप मैकेनिक है या आप एक कस्टमर है, आपके बाइक में आपके पास ये मॉडल है SP125BS6 वाला और उसमें स्पीड मीटर नहीं चलता है, तो आप एक बार इसे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केस में भाई ऐसे ही कपलर रिलेटेड प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है। और आज तक तो भाई VSS सेंसर ख़राब है ऐसे रिलेटेड बाइक कोई बाइक हमारे पास नहीं आया। ठीक है, तो क्या है भाई, ज़्यादातर या कपलर या वायरिंग में फॉल्ट भाई ऐसा ही कुछ निकलता है। ठीक है, तो देखिए भाई अभी जो हमारा मीटर है देखिए प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, कपलर को सही तरीके से इंस्टॉल कर दिए हैं हम, और अभी जो हमारा स्पीड मीटर है देखिए प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमें भी कि पप्पा जो है हमारा भोलेनाथ, तो वो एकदम जो डिजिट है उसके ऊपर ही बैठा है भाई। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे, कोई भाई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी जो हमारा काम बचा है कि हम
अभी जो कोड इसमें आ रहा है इस कोड को इरेज करेंगे, हटाएंगे, डिलीट करेंगे भाई कोड को। और जो देखिए मलफंक्शन इंडिकेटर जो ऑलवेज ऑन था वो भी हट चुका है, और दूसरी बार ये नहीं आएगा भाई। क्योंकि क्या है, जब तक ये कोई सेंसर रिलेटेड कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा तो मलफंक्शन इंडिकेटर नहीं चलेगा भाई। तो भाई प्रॉब्लम को समझे, और आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी काम करते हैं भाई, हर एक चीज़ को बेसिक्स बाइक में या वायरिंग सेक्शन में, हर एक चीज़ को भाई पहले से छोटे से लेकर बड़े बड़े चीज़ तक भाई पूरा चेक कर ले, इंस्पेक्शन करे पहले, ठीक है? आपको हल कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, ठीक है? काम में भाई सबसे ज़्यादा जो हमारा काम की चीज़ है वो फोकस और सही तरीके से देखना। तो भाई इसी के साथ साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।